What matters the most? Bharat matters. जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। तारीख 10 अप्रैल 1912, 2200 से ज्यादा लोगों को एक दिल दहला देने वाले सफर पर लेकर लग्जरी स्टीमशिप टाइटैनिक ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क सिटी के लिए रवाना हुआ। उन लोगों में उस दौर के कई फेमस सेलिब्रिटीज और पर्सनैलिटीज भी मौजूद थे। समंदर की लहरों को चीरता हुआ टाइटैनिक अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। ये वो जहाज था जिसके लिए ये कहा जाता था कि वो कभी डूब नहीं सकता। लेकिन इस सुनहरे सफर को अभी कुछ चंद दिन ही हुए थे कि अचानक 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 पर 52,310 टन का ये विशालकाय जहाज 20 नॉट की स्पीड से एक आइसबर्ग से टकरा गया। और जिस टाइटैनिक के बारे में दावा किया जा रहा था कि वो जहाज अनसिंकेबल है, वो देखते ही देखते हमेशा हमेशा के लिए समुंदर के आगोश में समा गया। इस हादसे में करीब 1500 लोगों की जान चली गई और जो बच गए उनके पास रह गई कुछ दर्द भरी कहानियां और दुनिया के हिस्से आई एक अनसॉल्व मिस्ट्री। आखिर शिप डूबा कैसे? क्या ये अद्भुत जहाज एक मानव गलती का शिकार बना या फिर इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा था? दोस्तों, ऐसे हजारों सवालों से घिरा टाइटैनिक आज भी अटलांटिक महासागर की गहराइयों में अपने अंदर अनेक जवाब छिपाए बैठा है। इन्हीं जहाजों की तलाश में हर साल कई लोग करोड़ों रुपए खर्च करके इस जहाज की तह में अपने अपने जवाब ढूंढने निकलते हैं। दरअसल 16 जून को सेंट जोन्स न्यूफाउंडलैंड से रिसर्च एंड एक्सपेडिशन शिप MV पोलर प्रिंस पर सवार हुए ओशन गेट कंपनी का टाइटन सबमरीन 5 लोगों को लेकर टाइटैनिक के रैकेज यानी मलबे को देखने निकलता है। 18 जून की शाम टाइटन ने अपनी जर्नी की शुरुआत की, लेकिन सिर्फ 2 घंटे बाद सबमरीन का कांटेक्ट कंट्रोल रूम से टूट गया, जिसके बाद सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। कई कंट्रीज की नेवीज और कंपनीज ने इस सर्च ऑपरेशन को ज्वाइन किया। खुद US प्रेसिडेंट जो बाइडेन पूरे ऑपरेशन पर अपनी नजर बनाए हुए थे, लेकिन करीब 3 दिन चले इंटेंस ऑपरेशन के बाद सबमरीन में सवार सभी लोगों की डेथ डिक्लेयर कर दी गई। दोस्तों, आज के इस डिस्कशन में हम इस इंसिडेंट के बारे में जानेंगे, क्यों और कैसे हुआ ये हादसा और इस हादसे में मारे गए लोग कौन थे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, 1912 में डूबे टाइटैनिक शिप के मलबे को देखने पहुंची टाइटन सबमरीन में सवार सभी 5 बिलियनियर्स की डेथ हो गई है। कई दिनों से मिसिंग इस सबमरीन की तलाश में रेस्क्यू टीम्स लगी हुई थीं। US कोस्ट गार्ड के मुताबिक 22 जून को सबमरीन का रैकेज टाइटैनिक के पास मिला है, जिसे कनाडा की रिमोटली ऑपरेटेड UAV ने रिकवर किया है। सबमरीन का रैकेज मिलने के बाद एक्सपर्ट्स की टीम ने हादसे की डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया है। वहीं टाइटन सबमरीन को ऑपरेट करने वाली कंपनी ओशन गेट ने भी इस बारे में कंफर्म करते हुए मारे गए लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है। इस हादसे में मारे गए 5 लोगों में खुद कंपनी के फाउंडर एंड CEO स्टॉकटन रश भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि 18 जून को ओशन गेट कंपनी की यह सबमरीन अपने एक्सपेडिशन के सफर पर निकली थी, लेकिन विद इन फर्स्ट 2 आवर्स इससे कॉन्टैक्ट लॉस हो गया। समुद्र के करीब 12,500 फीट डेप्थ में टाइटैनिक के रैकेज देखने जाने और वापस आने का ये टूर करीब 8 घंटे का होता है। इसमें 2 घंटे टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने में खर्च होते हैं, 4 घंटे सबमरीन रैक के सराउंडिंग का नजारा दिखाती है और उसके बाद रिटर्न होने में भी उसे 2 घंटे का समय लगता है। 18 जून को जब टाइटन सबमरीन अपनी जर्नी पर निकली तो उसके करीब 1.5 से 2 घंटे बाद उसका कनेक्शन कंट्रोल सिस्टम से टूट गया, जैसा हमने बताया। यानी जिस समय कंट्रोल सिस्टम से सबमरीन का कनेक्शन लॉस हुआ, उस समय वो रैकेज के आसपास पहुंचने वाली होगी और जाते वक्त बीच में कहीं ये सबमरीन लापता हो गई। टाइटैनिक सबमरीन से संपर्क टूटने के बाद इसकी इन्फॉर्मेशन US कोस्ट गार्ड को दी गई। वही कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं जिनके मुताबिक कॉन्टैक्ट लॉस होने के करीब 8 घंटे के बाद US कोस्ट गार्ड को इस बात का अलर्ट मिला था, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि जो भी हो, US कोस्ट गार्ड के लिए इस सबमरीन को तलाश करना आसान नहीं था। US कोस्ट गार्ड के एक स्पोक्स पर्सन के मुताबिक अपने आप में ये काफी डिफिकल्ट ऑपरेशन था। इस सर्च ऑपरेशन में कई डिफिकल्टीज थी, जैसे पानी के अंदर की विजिबिलिटी, सबमरीन के अंदर तेजी से खत्म होती ऑक्सीजन की संभावना और मिलियन माइल्स में फैला विशाल अटलांटिक महासागर। ऑल्दो टीम ने एक पॉसिबल एरिया को मार्क करते हुए काम शुरू किया, लेकिन अटलांटिक में टाइटन को ढूंढना रेगिस्तान में सुई ढूंढने जैसा था। असल में पानी के अंदर लाइट ज्यादा नीचे तक नहीं जा पाती, जबकि सबमरीन करीब 3 किलोमीटर नीचे था। ऐसी सिचुएशन में पूरे सर्च के दौरान टीम को क्लियरली देखने में काफी मुश्किल हो रही थी।
इसीलिए टीम ने सोनार जैसी टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल किया। लेकिन बदकिस्मती से सबमरीन में सवार सभी लोग शायद बहुत पहले ही वक्त से जंग हार चुके थे। दोस्तों, जिस टाइटन सबमरीन का एक्सीडेंट हुआ उसमें सवार सभी 5 लोग वेल नोन बिलियनियर्स थे, जिसमें खुद ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश शामिल थे। उनके साथ शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, हमिश हार्डिंग और पॉल हेनरी नार्गुलेट इस एक्सपेडिशन पर गए थे। शहजादा दाऊद ब्रिटिश पाकिस्तानी बिलियनियर बिजनेसमैन थे। वो यूके में प्रिंसेस ट्रस्ट चैरिटी के बोर्ड मेंबर भी थे। इसके अलावा वो स्पेस रिसर्च कंपनी सेटी के ट्रस्टी थे। दाऊद 48 वहीं उनके बेटे 19 ईयर्स के थे। वहीं इस हादसे में मारे गए 58 ईयर्स के ब्रिटिश बिजनेसमैन हैमिश हार्डिंग एविएटर, स्पेस टूरिस्ट और दुबई बेस्ड एक्शन एविएशन के चेयरमैन थे। हैमिश हार्डिंग वही शख्स थे जिन्होंने नामीबिया से चीता लाने के प्रोजेक्ट में इंडियन गवर्नमेंट का सहयोग किया था, जबकि पॉल हेनरी नार्गुलेट फ्रेंच मैरिटाइम एक्सपर्ट थे जिनकी एज 77 ईयर्स थी। वहीं स्टॉकटन रश 61 ईयर्स के थे। इस हादसे में मारे गए स्टॉकटन रश की वाइफ इससे पहले खुद 2 बार डेब्रिस देखने जा चुकी थी। बताया जाता है कि सबमरीन जिस ओशन गेट कंपनी की थी उसके ओनर और सबमरीन के पायलट स्टॉकटन रश और उनकी वाइफ वेंडी का टाइटैनिक शिप से खास कनेक्शन था। दरअसल वेंडी के ग्रेट ग्रैंडफादर इसिडोर और ग्रेट ग्रैंडमदर इडा स्ट्रॉस टाइटैनिक शिप की यात्रा पर बतौर फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स गए थे, जिसमें उनकी डेथ हो गई थी। वेंडी का यही कनेक्शन उन्हें 2 बार टाइटैनिक के मलबे के पास ले गया। वो दोनों बार अपनी ही सबमरीन से जर्नी पर गई थी। दोस्तों, कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे की वजह कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन बताया जा रहा है। कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन में एक सबमरीन की हालत कुछ वैसी हो जाती है जिस तरह एक बॉटल से सारी एयर सक करने के बाद बॉटल की होती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हो सकता है कि टाइटन सबमरीन में कोई मैकेनिकल पार्ट डैमेज या पुअर कंडीशन में है और पानी के नीचे हजारों फीट पर पानी के इमेंस प्रेशर के कारण वो हिस्सा ब्रेक हो गया है, जिसके चलते ये इम्प्लोजन हुआ। हालांकि अभी डेब्रिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आनी बाकी है, जिसके बाद हादसे के एक्चुअल रीजन का पता चल सकेगा। टाइटन सबमरीन की कैपेबिलिटी वाटर में 4000 मीटर्स के डेप्थ तक पहुंचने की बताई जा रही है। इतने डेप्थ में पहुंचने पर सरफेस के कंपैरिजन में सबमरीन पर प्रेशर 296 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। यदि सबमरीन और डेप्थ में पहुंचे तो प्रेशर इंक्रीज होने से इसके अंदर एक्सप्लोजन का रिस्क बढ़ जाता है। हालांकि सबमरीन को ऑपरेट करने वाली कंपनी ओशन गेट का कहना है कि रैकेज डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही यह बताया जा सकेगा कि एक्सीडेंट का कॉज क्या है। वहीं एक रिपोर्ट में बताया गया कि इस हादसे का शिकार हुई सबमरीन में 10 ईयर ओल्ड गेमिंग कंट्रोलर का यूज हुआ था, जिसने काम करना बंद कर दिया होगा। वहीं कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि सबमरीन जब गहराई में गई होगी तो उसमें टेक्निकल डिफॉल्ट आ गया या फिर टाइटैनिक शिप के मलबे से टकरा कर वो सबमरीन फंस गई होगी। बहरहाल, इन सभी सवालों के असली जवाब की तलाश अभी जारी है। दोस्तों, वर्ल्ड की लार्जेस्ट और मोस्ट पॉपुलर शिप टाइटैनिक को डूबे करीब 111 साल हो चुके हैं। 28 साल पहले यानी 1985 में इसका मलबा ढूंढ लिया गया था। दरअसल करीब 70 साल टाइटैनिक का रैकेज सी के अंडर करीब 4 किलोमीटर नीचे पड़ा रहा, लेकिन 1985 में रॉब बैलेड और उनकी टीम ने इसे खोज निकाला था। हालांकि इसके मलबे को बाहर नहीं निकाला गया, क्योंकि जहां टाइटैनिक का रैकेज पड़ा है वहां चारों तरफ अंधेरा है। ओशन की डेप्थ में टेम्परेचर भी 1 डिग्री सेल्सियस है। इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में किसी इंसान का इतनी गहराई में जाना और वापस लौट के आना बहुत ही रिस्की है, और इक्विपमेंट की मदद से भी ऐसी एडवर्स कंडीशन में डेब्रिस को निकाल कर लाना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि टाइटैनिक के डेब्रिस को निकालने का प्रयास नहीं किया गया, लेकिन जहाज के डूबने के सालों बाद भी लोगों के सर से टाइटैनिक की क्यूरियोसिटी नहीं गई। जहां शिपरेक मिलने के बाद तो लोगों में और भी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। लोग इसका रैकेज देखने के लिए लाख और करोड़ रुपए देने के लिए तैयार बैठे हैं। इसी अपॉर्चुनिटी को ओशन गेट कंपनी ने भुनाया और टाइटैनिक टूरिज्म स्टार्ट किया। ओशन गेट एक अमेरिकन कंपनी है जो रिसर्च के लिए सबमरीन बनाती है। टाइटैनिक टूरिज्म के लिए इसने स्पेशल सबमरीन प्रिपेयर की, टाइटन। टाइटैनिक के डेब्रिस तक जाने की जर्नी को कम्प्लीटली सेफ बनाने के लिए सबमरीन को कई बार टेस्ट करवाया गया। करीब 10,000 किलोग्राम वजनी इस वेसल में 90 आवर्स के लिए ऑक्सीजन भी रखी गई ताकि इमरजेंसी में काम आ सके। टाइटन के रिगार्डिंग कंपनी ने यहां तक दावा किया कि एट प्रेजेंट डीप वाटर में जाने के लिए इससे सेफ कोई वेसल नहीं है। कंपनी ने वेबसाइट पर क्लेम किया कि उनकी सबमरीन इजली मोर देन 13,000 फीट की डेप्थ तक
गोते लगा सकती है, जबकि शिप का रैकेज 12,500 फीट नीचे पड़ा है। 5 लोगों की सवारी वाली सबमरीन के सफर के लिए कंपनी पर पर्सन करीब 2 करोड़ रुपए चार्ज करने लगी। टाइम टू टाइम कंपनी टाइटन के थ्रू नीचे जाती और टाइटैनिक की फुटेज रिलीज करती। लास्ट ईयर रिलीज किए गए फुटेज में समुद्र के भीतर शिप का स्लैंटिंग कॉर्नर, एंकर चेन और कुछ यूटेंसिल्स दिखाई दे रहे थे। इससे पहले वहां एक लंच मेन्यू भी था जो शिप के फर्स्ट क्लास पैसेंजर का रहा होगा। कई शेविंग किट्स और टोबैको पाइप्स भी मलबे का हिस्सा थे। और ये भी माना जा रहा है कि डेब्रिस कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। इसकी वजह खुद सी है, इसमें प्रेजेंट बैक्टीरिया आयरन को खा सकते हैं। इसकी वजह से डेब्रिस में कंटिन्यूअस होल हो रहा है और वो डिक्रीज हो रहा है। और एक्सपर्ट्स यहां तक मानते हैं कि विद इन नेक्स्ट 10 to 15 years डेब्रिस कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। हालांकि इससे जुड़े किस्से और कहानियां और लोगों के मन में इसे लेकर मौजूद क्यूरियोसिटी कब डिसअपियर होगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है। और इस हादसे के बाद कई लोग इस तरह के एक्सपेडिशंस पे भी बड़े सवाल उठा रहे हैं। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी आईक्यू का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों इन बैचेस में आपको 1000+ hours का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी आईक्यू कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिग्रेस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों 19 जून को स्टडी आईक्यू के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस हिंग्लिश, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी, तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी आईक्यू के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिल जाएंगी।